ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने बसंत पंचमी पर कैसे माँ सरस्वती की पूजा करनी है ये जाना। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि राशि के अनुसार किस तरह पूजन करना है आप सभी को। दोस्तों, जल्दी से राशि के अनुसार माँ सरस्वती के पूजन के बारे में जानेंगे। हमारे जो तमाम विद्या वाले जो बच्चे हैं जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष रूप से ध्यान रखें। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, वैसे तो स्वभाव से ही आपकी राशि जो है चंचल होती है, इसलिए अक्सर इस राशि के लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को लाल गुलाब का पुष्प और सफ़ेद तिल अर्पण कर दीजिए। निश्चित तौर पे इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, चंचलता और भटकाव से मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि है वृषभ राशि। गंभीर और लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी जिद और कठोरता जो है वो आपकी शिक्षा और कैरियर में बाधा उत्पन्न कर सकती है। बुद्धि से संबंध रखने वाला होता है आपका काम, अतः आपको नीली शाही वाली कलम और अक्षत माँ सरस्वती को अर्पण करने चाहिए ताकि आपकी जो बुद्धि है वो सदैव नियंत्रित रहे। मिथुन राशि की बात करते हैं। बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भ्रम की समस्या जो है वो आपको परेशान करती है, इसलिए अक्सर समय पर सही निर्णय आप नहीं ले पाते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, पुस्तक अर्पण करें, निश्चित तौर पे जो भ्रम जो है वो समाप्त होगा, बुद्धि प्रखर होगी। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके ऊपर इमोशंस जो हैं वो हावी होती है और यही जो प्रॉब्लम है वो आपको मुश्किल में डाल देती है। तो आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, चंदन अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे जो आपकी इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में रख के आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सिंह राशि। अक्सर शिक्षा में बदलाव और बाधाओं का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। योग्यता के अनुसार सही जगह पर आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। शिक्षा और विद्या की बाधाओं से निपटने के लिए माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन पीले पुष्प, विशेष तौर पर कनेर के पुष्प और धान का लावा हलवा अर्पण करना चाहिए, निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होगी। कन्या राशि। अक्सर धन कमाने और स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं आप लोग, बुद्धि कभी कभी उल्टी दिशा में चलने लगती, तो बुद्धि सही दिशा में रहे इसके लिए माँ सरस्वती को कलम और दावत के साथ में सफेद पुष्प अर्पण कीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बची हुई राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि। जीवन में भटकाव के मौकों पर सबसे जल्दी भटकने वाले होते हैं। चकाचौंध और शीघ्र धन कमाने की चाहत आपकी शिक्षा और करियर में अक्सर बाधा डाल सकती है। भटकाव और आकर्षण से निकलकर सही दिशा पर यदि आप चलें तो जीवन में सफलता आपको मिलनी निश्चित है। तो उसके लिए नीली कमल, कमल लाता है, नीली कमल बोलते हैं उसको, और शहद माँ सरस्वती को आज के दिन अर्पण कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन कभी कभार अहंकार आपको मुश्किल में डाल देता है, और ये जो अहंकार है, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसके कारण आप कंपटीशन में, परीक्षा में अक्सर कुछ अंकों से सफलता प्राप्त करने में चूक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन हल्दी और सफ़ेद वस्त्र अर्पण कीजिए, ये प्रॉब्लम दूर होगी। धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बुद्धिमान हैं आप, सिचुएशन कई बार आपकी शिक्षा में बाधा पहुँचा देती है, शिक्षा बीच में रुक भी जाती है जिसके कारण जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो शिक्षा रुके नहीं, संघर्ष होवे नहीं, उसके लिए बसंत पंचमी के दिन माँ को रोली और नारियल अर्पण कीजिए, निश्चित तौर पे हर तरह का सुख प्राप्त होगा। मकर राशि। आप लोग बहुत मेहनती हैं पर कभी कभी शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा पाना कठिन भी हो जाता है। तो शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन चावल की खीर अर्पण करिएगा। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोग अत्यधिक बुद्धिमान हैं पर लक्ष्य के निर्धारण की समस्या आपको असफलता के द्वार तक पहुंचाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए और लक्ष्य पर ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए आपको बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अंतिम जो राशि मीन राशि। आप लोग ज्ञानी और बुद्धिमान हैं पर कभी कभी आपको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो सकता है, अहंकार हो जाता है,
और यही अहंकार आपकी प्रगति में बाधक भी बनता है। अहंकार दूर करके जीवन में विनम्रता से सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पंचामृत अर्पण करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलती रहेगी। तो बसंत पंचमी के दिन आप राशि अनुसार सरल उपाय को अपनाएं तो निश्चित तौर पे माँ सरस्वती से आपको विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त होगा। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको पूजा के बारे में बताया कि राशि अनुसार किस किस तरह आप पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, पूजा अर्चना के जो लाभ होते हैं वो भी जानना चाहेंगे आपसे आखिर में। देखिए, लाल गुलाब, सफेद तिल और अक्षत यदि आज के दिन माँ को आप अर्पण करते हैं तो आपके मन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी महसूस होगी, एक फ्रेशनेस आपको महसूस होगी, आपकी जो बुद्धि है, जो आपका विवेक है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। वहीं आज के दिन सफेद पुष्प पुस्तक अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो मन की कश्मकश है वो खत्म होती है, बुद्धि प्रखर होती है। बसंत पंचमी के दिन माँ को पीले पुष्प सफेद चंदन अर्पण करें, इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पीले पुष्प धान का लावा चढ़ाएं तो शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है। वहीं कलम दवात सफेद पुष्प यदि आप अर्पण करते हैं, कलम दवात सफेद पुष्प अर्पण करते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है, मेमोरी जो है वो अच्छी होती है, सोच जो है वो पॉजिटिव बन जाती, सकारात्मक हो जाती है। वहीं नीली कलम शहद अर्पण करते हैं तो सही दिशा आपको प्राप्त होती है, अहंकार से मुक्ति होती है। हल्दी और सफेद वस्त्र अर्पण करें, रोली नारियल अर्पण करें तो लाइफ में जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। वहीं चावल की खीर और मिश्री का भोग अर्पण करें तो हमारे जो बच्चे जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, थोड़ी देर बैठे फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर बैठे फिर उठ गए, तो आज के दिन वो माँ को खीर अर्पण करें, निश्चित तौर पे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए बसंत पंचमी से रिलेटेड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ सरस्वती माँ शारदा का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।